और जाम में एम्बुलेंस भी फंस गया है। ये देखिए और कल है गणेश पूजा और बहुत सारे लोग आए हैं मूर्ति लेने के लिए, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस फाइनली अभी हम अंबिकापुर में हूँ और देख सकते हैं ट्रैफिक लग चुका है, बहुत लोग आए हुए हैं मूर्ति लेने के लिए यहाँ, जिसके चलते पूरा रास्ता जाम हो चुका है। तो ठीक है चलिए दिखाता हूँ यहाँ का ट्रैफिक और गणेश जी के दर्शन भी कराता हूँ और बहुत लोग आए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है, रश बहुत ज़्यादा है आज। ठीक है बने रहिएगा वीडियो में, चलते हैं आगे। तो गाइस देख सकते हैं अंबिकापुर में लग चुका है जाम क्योंकि मूर्ति लेने आए हैं लोग, जिसके चलते लगा है जाम और जाम में एम्बुलेंस भी फंस गया है। ये देखिए करा रहे हैं रास्ता। ये देखिए और गाइस धीरे धीरे जाम खुल रहा है। भंडार में और बहुत ज़्यादा मूर्ति है यहाँ और बहुत भीड़ है, जिसके चलते ट्रैफिक भी जाम लग गया है। और चलते हैं आगे। बहुत भीड़ है यार, ये देखिए बहुत सारे गणेश जी और कल है गणेश पूजा और बहुत सारे लोग आए हैं मूर्ति लेने के लिए, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए गणेश जी लुंगी बुलाया उसको। ये देखिए देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक साइड हो जाओ भाई जाने को। ये देखिए बहुत बड़े बड़े मूर्ति हैं, ये वाला लगता है 5 फीट 8 फीट का मूर्ति है। ये देखिए और यहाँ भाई लोग लेने के लिए आए हैं मूर्ति। ये देखिए जो मूर्ति ही मूर्ति, सारे के सारे मूर्ति। और इधर देखिए छोटे छोटे मूर्ति हैं इधर 2 फीट 3 फीट। मूर्ति मूर्ति बहुत भीड़ है यार, बहुत सारे मूर्ति, बहुत भीड़ है, मूर्ति मूर्ति। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है आज अंबिकापुर में गणेश पूजा के चलते। चलते हैं यहाँ से बाहर और बाहर का नज़ारा देखते हैं। और ये देखिए
मूर्ति लोड हो गया है गाड़ी में। ये देखिए बहुत भीड़ है और गणपति जी बड़े बड़े मूर्ति। ये देखिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक है आज, पूरा जाम है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये देखिए गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा, पुलिस आई है स्पेशल खाली करवाने के लिए, फिर भी खाली नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है खाली। बहुत ही ज्यादा भीड़ है और भाई लोग भी आए हैं मूर्ति लेने के लिए। बहुत बढ़िया मूर्ति भाई, एक नंबर शॉपिंग, मजा आ गया और पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। हां बहुत ट्रैफिक जाम, मूर्ति लेने में बहुत मजा आया और कल भी ट्रैफिक रहेगा। ठीक है ठीक, तो ठीक है गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। भाई लोग आए हैं पूरे मूर्ति लेने के लिए और पूरा ट्रैफिक लगा दिए अंबिकापुर में। सही बात है।